सक्सेसफुल बनने के लिए यूट्यूब पे हमें क्या करना चाहिए? दिल से काम करना चाहिए. थैंक्स लॉर्ड भैया. व्हाट इज नाउ प्रूव्ड वाज वंस ओनली मेंशन. वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन. सो हियर आई एम विद वन ऑफ माय फेवरेट मोटो व्लॉगर फ्रॉम इंडिया. ही इज द फकीरा राइडर्स. वेलकम भैया. बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे चैनल पे आए. और सब सच में मैंने पिछले व्लॉग में भी यही बोला था कि सपने सच होते हैं और धीरे धीरे मेरे सपने सच हो रहे हैं क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग उसको सपोर्ट करें. सो थैंक्स अ लॉट गाइस. सो आज फकीरा राइडर्स आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहली मुलाकात में अपना बना लेते हैं. ऐसे कुछ फर्स्ट राइड्स एंड फकीरा राइडर्स ने मेरे ऊपर असर डाला है. तो पहला क्वेश्चन मैं और मेरी ऑडियंस आपसे यही पूछेगी कि आपने अपनी यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट करी. देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम सब के अंदर इच्छाएं बहुत होती हैं. हम सब अपनी ज़िंदगी में जो भी हम होते हैं उसको प्रूव करना चाहते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या हैं और हम जैसे हैं वैसे हमें लोग समझें, क्योंकि लोग हमें जो समझते हैं वैसे हम होते नहीं हैं. हमारी नज़र हमारे बारे में अलग होती है, लोगों की नज़र हमारे बारे में बहुत डिफरेंट होती है. मतलब हम कभी भी यही नहीं, आपने देखा होगा अपने दोस्तों में सर्कल में कि वो यही बोलते हैं कि हमें लोग समझते नहीं हैं. तो दोस्तों यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे ऐसा लगा कि जैसा मैं हूं वैसा मैं अगर दिखा दूं तो कुछ ना कुछ लोग तो मुझे समझ पाएंगे कि फकीरा क्या है. एट द सेम टाइम यही बात विशाल के लिए भी अप्रूव होती है, आप लोगों के लिए भी होती है कि जो आप हो वैसे ही आप रहो, वैसे ही आप सामने वाले को प्रोजेक्ट करो. उसके लिए यूट्यूब मुझे राइट प्लेटफॉर्म लगा, आप लोगों के लिए भी राइट प्लेटफॉर्म है. कुछ ना कुछ लोग आपको समझना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे लोग बढ़ते चले जाते हैं और एक मुकाम आने लगता है. Fakira Riders is growing very fastly on YouTube. Within one year, आपने 85,000 plus subscriber cross कर दिए हैं और आपकी videos में lakhs और crores views आ गया, I guess. So congratulations भैया आपके. ये इसीलिए वह क्योंकि he is very down to earth, nature से बहुत अच्छे. वो आप देख सकते हैं पहली मुलाकात में मुझे ऐसा लगा कि मैंने पता नहीं कितने time से जानता हूँ. यही चीज हमें सबसे अच्छी लगती है क्योंकि इंटरेक्शन इनका इनकी ऑडियंस के साथ बहुत अच्छा है गाइज. सो सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि what is your inspiration? Tough question. नहीं नहीं, टफ नहीं होता है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सही शब्दों में लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. आंसर टफ नहीं है, आंसर बहुत इजी है, बहुत ही नॉर्मल सा आंसर है, लेकिन राइट वे समझाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैं ग्रामेटिकली इतना स्ट्रांग बंदा हूँ नहीं. मेरा टैग या बी सिंपल बी नेचुरल, तो सरल भाषा में समझाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है. लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, मैं ओशो फॉलोअर हूँ. स्वामी आनंद फकीरा मेरा पूरा नाम है जो मुझे ओशो आश्रम से मिला हुआ है. और जैसा मेरा नाम है कि मैं फकीरा ही हूँ, तो मेरा इंस्पिरेशन सिर्फ इतना सा है कि जो ऊपर वाले ने मुझे नाम दे दिया, जो मेरे गुरु ने मुझे अपना एक नाम दे दिया, उसको मैं कैसे प्रूव करूं या इस नाम का रियल नाम. एक नाम तो बोलने के लिए हो जाता है. लाइक विशाल का नाम विशाल है, लेकिन विशाल का मतलब होता है विशाल पहाड़ होते हैं, विशाल आसमान होता है, विशाल ड्रीम्स होते हैं, विशाल आपकी एक सोच हो सकती है. अब इसको प्रूव कैसे करें, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत विशाल विशाल बातें चल रही होती हैं, लेकिन कैमरा तो छोटा सा होता है, स्क्रीन भी छोटी सी होती है, इस चीज पे इतनी बड़ी बड़ी बातों को कैसे लेके आए. तो इंस्पिरेशन सिर्फ वही है कि इन चीजों को पैसे प्रोजेक्ट किया जाए. तो मेरा नाम तो लग गया फकीरा, अब फकीरा नाम को मैं प्रूव कैसे करूं. तो बस वही एक इंस्पिरेशन था. तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि जो मैं हूं जैसा मैं हूं वैसे अपने आप को शूट करूं और मेरे रियल लाइफ के जो मूवमेंट्स हैं उनको शेयर करूं. और बस धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई और आज इस मुकाम पे आ गई है. आज हम 3 घंटे साथ बैठे हैं अभी तक, लेकिन मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ. पहली चीज़ आपने मुझे ये बताई कि जब आप अपने कैमरे से बात करते हो तो आप कैमरे से बात नहीं कर रहे हो, आप अपनी ऑडियंस से बात कर रहे हो. इस लेंस को ये समझो कि वो आपकी ऑडियंस की आईज एंड ईयर्स है और आप उनसे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो. ये तो आपकी समझ आया, मैं भी ग्लैड फील कर रहा हूँ. मैं भी बहुत शुक्रिया बंद हूँ आपके सामने कि आपने मेरे को अपने ब्लॉग पर लिया. और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका भी, अगर सब्सक्राइबर काउंट एक्चुअली इतना वैल्यू नहीं करता है लेकिन नंबर्स की अगर बात करेंगे तो वैल्यू करता है, तो ये नंबर्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, आई एम श्योर फॉर दैट. और मेरी मतलब आशीर्वाद भी है आपके साथ में और कुछ मतलब शुभकामनाएं भी हैं. और जितना मेरे से हो सकेगा मैं अपने चैनल पे भी आपको जो भी ज्यादा से ज्यादा रीच हो सकती है वो पॉसिबली कर दूंगा, तो वो नंबर्स आ जाएंगे. बहुत जरूरत है इस आशीर्वाद की. नंबर्स एक्चुअली सिर्फ होता है कि हमें देख कितने लोग रहे हैं. कई बार जैसे मेरे शुरू के स्टार्टिंग के ब्लॉग्स थे उनको देख ज्यादा लोग नहीं होते हैं, बातें वही की वही थी. अब ज्यादा लोग देख रहे होते हैं, बातें सिर्फ रीच की, तो रीच बढ़ाने की बात है, वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, उसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. अभी आप हैं ऑल इंडिया राइड पे, राइट? और ये आपकी है सेकंड विश. तो मेरे सब्सक्राइबर्स ये जानना चाहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर सेकंड विश और इज देयर एनी फर्स्ट विश आल्सो. दोस्तों फर्स्ट विश जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं हम जिस परिवार में पैदा होते हैं, जिस समाज में पैदा होते हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं सिक्योर होती है. सेकंड विश राइड का मतलब ये होता है कि ये जो भी मुझे देख रहे हैं और समझ रहे हैं इस बातों को,
तो हम सबके दिमाग में एक दूसरी ख्वाहिश होती है जो पूरी हो जाए. लाइक अगर सो आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज पे रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, तो आपको लग सकता है कि मेरे को वर्ल्ड राइड मिल जाए, मैं पूरी दुनिया का एक टूर मारा हूँ. या आपके पास में छोटी गैरज है तो आपको लगता है मेरे पास बड़ी गैरज है. तो ये उस सब के बारे में नहीं है. ये बात है 3-4 साल से लेके एज ग्रुप के जो बच्चे हैं और 10-12 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए हुई ये बात है कि उनके दिमाग में कई बार ऐसे ख्याल आते हैं कि छोटा सा बच्चा है तो उसको लगता है कि मैं मेरी बहन के लिए कुछ अच्छा सा ड्रेस ले लूँ या एक बैडमिंटन का रैकेट मुझे मिल जाए या क्रिकेट का बैट मुझे मिल जाए, बॉल मुझे मिल जाए. तो उस इच्छा को लेके वो अपनी पढ़ाई लिखाई सब करते रहते हैं लेकिन उनके दिमाग में वो सेकंड विश चलती रहती है. तो मैं जितने ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट कर पाऊँ, जितने ज़्यादा बच्चों से मिल पाऊँ और उनकी सेकंड विश को मैं किसी भी तरीके से पूरा कर पाऊँ, अभी मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ वो एक अलग मेरे लिए भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जितने ज़्यादा लोगों का मैं कर पाऊँगा फ्यूचर के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि दूसरी जो इच्छा है, जो छोटी सी इच्छा है, उसके लिए उनको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े. अगर वो पूरी की जा सकती है तो उसको पूरा किया जाए. यही इस राइड का मकसद है. इस राइड का जो मीनिंग है वो है सेकंड विश. सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, बट मैं आपको दिल से बताना चाहता हूँ कि जो आपके वर्ड्स होते हैं वो हम टीनेजर्स को बहुत इफेक्ट करते हैं. मतलब आपके वर्ड्स हमारे पर बहुत डीप इन्फ्लुएंस डालते हैं. मैं आपको बताता हूँ कैसे. एक बार मैं डीमोटिवेट हो गया था क्योंकि मेरे किसी फ्रेंड से मुझे बोला था व्लॉगिंग सब ये सब बंद कर दे क्योंकि ये सब करके तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तू अपना ये टाइम कहीं और यूटिलाइज कर, क्या पता तुझे फायदा हो. बट मैंने उस रात आपका व्लॉग देखा एंड मैं सच में बहुत इंस्पायर हुआ और उसी रात एडिट करने बैठा एंड ट्रस्ट मी डेट वीडियो क्रॉस 21,000 व्यूज. सो ये सब आप लोगों के सपोर्ट से ही है कि हम छोटे यूट्यूबर्स ग्रो कर रहे हैं यूट्यूब कम्युनिटी में. सो थैंक यू. पता जब लगा मुझको हस्ती का मेरी, सिवाय इस दुनिया में मेरे और कुछ भी नहीं है. दोस्तों ये बात आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है. ऊपर वाले ने सबको बराबर बनाया है, महात्मा बुद्ध को भी बराबर बनाया है, जिस भी आप रिलीजन से बिलीव कर रहे हैं, जो भी आपके पैगंबर हैं, वॉट एवर जो भगवान है, जो भी है, सबको बराबर ही बनाया है. अगर आपको ये पता चलता है कि आप ये हो तो दुनिया है. पता जब लगा मुझको हस्ती का मेरी, इन द सेंस कि आप क्या हो आपको ये पता लगना चाहिए. पता जब लगा मुझको हस्ती का मेरी, सिवाय इस दुनिया में मेरे और कुछ भी नहीं है. अगर आप हो तो दुनिया है, अगर आप ही नहीं तो दुनिया किसी काम की नहीं. तो मेरी आपसे बस इतना सा ही कहना है, बहुत छोटी सी बात है, कि अपने आप को समझो, अपने ऊपर ध्यान दो. दुनिया के बारे में ज्यादा प्रोजेक्शन लेने की लोग क्या कह रहे हैं उसको मत समझो, अपने ऊपर ध्यान दो. दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगे आई एम श्योर मेरे सब्सक्राइबर को ये सब सुन के. सो थैंक्स अ लॉट भैया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय व्लॉग. और अब हम बात करेंगे फर्स्ट राइड से, अगर उनके पास टाइम है तो, क्योंकि वो अभी एडिटिंग में अपनी बिजी है बहुत. तो अभी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज यहाँ पर आए और अपने व्यूज शेयर करें आप लोगों के साथ. सो थैंक यू भैया. थैंक यू फकीरा राइडर्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय व्लॉग. शुक्रिया. सो गाइस नाउ आई एम विद सुल्तान भाई जिनके चैनल का नाम है फर्स्ट राइड्स. तो आई होप आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया होगा. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. आई विल सी यू गाइस सून. बाय बाय.